नमस्कार साथी, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं मेरे ही अपने चैनल दो कदम। आज के इस वीडियो में से बात करने वाला हूँ कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन के कौन कौन से चरण होंगे और आवेदन भरते समय आपको किन किन दस्तावेज की जरूरत होगी, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आवेदन करने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि दस्तावेज में आवेदक की कौन कौन सी डिटेल लगेंगी, जैसे कि आवेदक का आधार कार्ड और आधार कार्ड में आवेदक का मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आता है पैन कार्ड और आवेदक का बैंक खाता और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी, जैसे कि परिवार में अगर आपके 5 लोग हैं और 5 सदस्यों की जानकारी चाहिए, जैसे कि उनके आईडी प्रूफ में आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक डिटेल जो उनके आईडी प्रूफ को प्रूफ करती हो। इसके बाद आता है आय, मतलब ये कि आपकी आय का विवरण आपको देना होगा। तो ये सारी चीजें आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए आपको आवेदन करना सिखाएंगे, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको जो है इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे मेनू के लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो है सिटीजन असेसमेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको समझ तरीके से बहुत सारे ऑप्शनों की लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, बेनिफिट अंडर 3 अदर कंपोनेंट्स वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके समझ तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है कैंडिडेट, मतलब जिस भी कैंडिडेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड या फिर वर्चुअल आईडी नंबर जो है आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपके पास आधार कार्ड है या फिर वर्चुअल आईडी है। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड का ऑप्शन को सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का आधार नंबर एंटर करना है, या फिर आप वर्चुअल आईडी सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का वर्चुअल आईडी एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है, जैसे आधार कार्ड में है वैसा ही नाम आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दे दिया है, जैसे उनके आधार कार्ड में है वैसा ही, और यहाँ पर उनका आधार नंबर भी दे दिया है। तो ये जानकारी आपको सही भरना है, तभी ये जो है नेक्स्ट प्रोसेसिंग को जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन दे रहा है, मतलब ये कि आपको ओटीपी के जरिए जो भी जानकारी आपको मिलती है या फिर ओटीपी नंबर मिलता है उसी के माध्यम से ये प्रोसेसिंग को कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे चेक इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आप जिस पर क्लिक कीजिए तो देखिए आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और आपके सामने इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको पूरा का पूरा सही सही भरना है, मतलब ये कि आवेदक की जो डिटेल आईडी प्रूफ में है वही आईडी के अनुसार आपको यहाँ पर आवेदक की जानकारी देना है। अगर आप गलत जानकारी भरते हैं तो आपका आवेदन रद्द भी किया जाता है या फिर आपके ऊपर सख्त कार्यवाही भी की जा सकती है। यहाँ पर आपको स्पष्टली बताया गया है कि ये जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं ये सर्वे फॉर्म है, और सर्वे के दौरान अगर आपकी जानकारी गलत पाई जाती है तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। इसलिए आपको आवेदन सही भरना है और सतर्कता से भरना है। यहाँ पर कुछ इंटेक्शन दिए हैं, इन्हें आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि जितने में स्टार लगे हैं वो सभी फील्ड आपको भरना अनिवार्य है, और यहाँ पर कुछ नोट्स भी दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि जिनकी आय 50,000 रुपये से ज़्यादा है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब आवेदन नहीं कर सकते। जिनकी आय 50,000 रुपये से कम है वही जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, मतलब आवेदन कर सकता है। चलिए हम आवेदन कर लेते हैं, कैसे आपको आवेदन भरना है। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले कह रहा है स्टेट, जो भी आपका राज्य है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद दिया है डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका जिला है अपने जिले का नाम आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सिटी, मतलब जो भी आपका शहर है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ब्लॉक वगैरह की जानकारी आएगी, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना है यस। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है योजना क्षेत्र विकास क्षेत्र, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है परिवार या मुखिया का नाम, आप अपने आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसा ही नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है पहले से आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से जेंडर, मतलब लिंग सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं या फीमेल। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स की डिटेल देना है, मुखिया की आयु देना है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एड्रेस, मतलब अपना खुद का वर्तमान पता ब्यूरो की जानकारी आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यही जानकारी ऑटोमेटिकली जो है इस फील्ड वाले कॉलम पर आ जाएगी। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको कह रहा है रसोई घर को छोड़कर रिहायशी इकाई कमरे कितने हैं, मतलब कमरे कितने हैं, कमरों की संख्या आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आधार कार्ड का आधार नंबर आ जाएगा, जो भी कैंडिडेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको उनकी पहचान में कोई एक आईडी को सेलेक्ट करना होगा। आईडी प्रूफ में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे
जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेंबर की डिटेल, मतलब आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की जानकारी यहाँ पर आपको ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉलम दिया हुआ है और ऐड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, मतलब ये कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सभी की जानकारी को देना आपको यहाँ पर अनिवार्य है। इसके बाद आता है धर्म, मतलब आपकी जो भी धर्म है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कास्ट है, जाति, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और आपको अपने बैंक खाते की डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर कह रहा है इस कस्बे शहर में रहने वालों की संख्या कितने वर्षों से है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने रिहायशी इकाई कारपोरेट क्षेत्र का वर्ग मीटर आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर यस नो का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि अगर आप खुद रोजगार कर रहे हैं या फिर जॉब वगैरह में है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है उपस्थित, मतलब ये कि आपकी उपजीविका क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। कई लोग अपने खुद के पर्सनल बिजनेस वगैरह करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे वर्क है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वार्षिक आय देना है, जो भी आपकी आय है सालाना। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है परिवार के बीपीएल कार्ड धारक हैं तो आपको यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन, अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। इसके बाद आपको अपने कार्ड का नंबर यहाँ पर आप दीजिएगा अपने बीपीएल कार्ड का। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है परिवार की आवास आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं न्यू होम के लिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इनहेलमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप न्यू चाहते हैं तो आप न्यू सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे मापदंडों के बारे में बताया गया है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो जानकारी ऊपर आपने जो फिल किया है, अगर आपकी जानकारी सही है, सही होने के बाद आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद ये जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है इसे आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेव का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा आवेदन जो है सफलतापूर्वक सबमिट हो गया और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी शो कर रहा है यूअर असेसमेंट आईडी हैज बीन जनरेटेड, मतलब ये कि मेरा आवेदन जो अभी सफलतापूर्वक जनरेट हो गया उसी का जो है आवेदन नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप आवेदन करेंगे तो आपका भी आवेदन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे डाउनलोड करना है, मतलब प्रिंट आउट कैसे लेना है। यहीं पर आप देखेंगे मेनू के ऑप्शन पर आपको सिटीजन असेसमेंट का एक ऑप्शन है, इसी पर आपको पुनः जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, या फिर आप प्रिंट लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप अपने आईडी को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका आवेदन पेंडिंग में है या नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट असेसमेंट वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और इस तरीके से आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो तरीके मिलते हैं आपको फॉर्म को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय असेसमेंट आईडी और दूसरा ये कि आप अपने फादर्स नेम और खुद का नाम देकर आप अपने आवेदन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं असेसमेंट आईडी वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और देख सकते हैं यहाँ पर असेसमेंट आईडी नंबर कह रहा है, तो आपके सामने इस तरीके से एक असेसमेंट आईडी नंबर मिला होगा, उसी असेसमेंट आईडी नंबर को यहाँ पर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा, इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका आवेदन आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टिल देन बाय।